गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भालेराव मैडम। आई टीच मैथ्स इन सेवन स्टैंडर्ड सेमी डिवीजन। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एन एक्सटेरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये जो है इसका ये जो इसकी डेफिनेशन तथा इसकी जो रूल है इसके बारे में स्टडी किया था। और हम लोगों ने देखा था कि ये जो एक्सटेरियर एंगल जो है, तो ये एनी एंगल एनी ट्रायंगल्स एवरी ट्रायंगल्स हैज सिक्स इंटीरियर एंगल्स, और वो किस तरह से होते एक्सटेरियर एंगल्स, वो किस तरह से थे, वो भी हम लोगों ने स्टडी किया था। अभी हम लोग देखने वाले हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटेरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अभी एक्सटेरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, फिगर है, तो इसमें देखो ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका एंगल पी आर एस, ये उसका एक्सटेरियर एंगल है। और इसमें अभी ये देखो, आपको मालूम है कि एक्सटेरियर एंगल जो है तो इसका ये जो है वो एडसेट एंगल्स है, और आपको मालूम है कि ये एडसेट एंगल्स और ये एक्सटेरियर एंगल्स, ये दोनों जो है ये दोनों लीनियर पेयर्स एंगल्स है, और इसीलिए इन दोनों का जो मेजरमेंट जो है वो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। और ये 180 डिग्री अगर दोनों की हो गई, तो यहाँ पर ये दोनों जो है इनके एडिशन किया, आपको मालूम है कि एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर, ये तीनों का जो योगफल जो होता है वो भी होता है 180 डिग्री। तो फिर देखो यहाँ पर ये थ्री एंगल्स जो है इनकी सम जो है वो 180 डिग्री होती है, और यहाँ पर ये जो एंगल्स है तो इनके ये लीनियर पेयर्स एंगल्स है, और ये जो है एंगल पी एंड एंगल क्यू, ये इस एक्सटेरियर एंगल जो है तो इसके इसके इन इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये रिमोट इंटीरियर एंगल से, यानी क्या, तो ये उसके दूर है, नज़दीक नहीं है, इसलिए इसको रिमोट इंटीरियर एंगल जो है वो कहा इनको कहते हैं। तो अभी देखो ये रिमोट इंटीरियर एंगल जो है तो इनकी भी जो सम होती है वो सम, यहाँ पर ये जो एक्सटेरियर एंगल जो है तो इस एक्सटेरियर एंगल्स की सम के इक्वल आती है। तो वो कैसे आती है, तो उसके लिए एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करके दिखाया है। देखो यहाँ पर मेजर एंगल पी प्लस मेजर एंगल क्यू प्लस मेजर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ द थ्री एंगल्स। देखो यहाँ पर मेजर एंगल पी, मेजर एंगल क्यू एंड मेजर एंगल पी आर क्यू, यानी ये एंगल, तो इन लोगों इन तीनों की जो सम है वो कितनी होती है 180 डिग्री, क्योंकि द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के जो थ्री एंगल्स होते हैं उनकी सम 180 डिग्री होती है। उसके बाद मेजर एंगल पी आर एस प्लस मेजर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पर मेजर एंगल पी आर एस, ये उसका एक्सटेरियर एंगल है ट्रायंगल का, एंड मेजर एंगल पी आर क्यू, ये उसका क्या है, एडसेट एंगल है। इन दोनों की जो सम है वो भी कितनी आती है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर्स एंगल्स हैं। अभी इसमें देखो यहाँ पर एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस, तो इनमें ये जो एंगल है एंगल पी आर क्यू, ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल मतलब ये इसका एडसेट एंगल्स है, और ये थ्री जो एंगल्स जो है ट्रायंगल्स के ये इसका भी एंगल्स है, यानी ये कॉमन एंगल है। तो इसीलिए देखो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी आर क्यू, यानी ये दोनों जो है इसमें ये कॉमन एंगल है। तो अगर क्या हो, ये जो कॉमन एंगल है मेजर एंगल पी प्लस मेजर एंगल क्यू प्लस मेजर एंगल पी आर क्यू, और इसमें इज इक्वल टू मेजर एंगल पी आर एस एंड मेजर एंगल पी आर क्यू, यानी क्या, तो ये तीनों का जो अगर हम लोगों ने एडिशन किया तो वो भी 180 डिग्री आएगा, और यहाँ पर ये दोनों का अगर एडिशन किया तो वो भी 180 डिग्री आएगा, और उसमें पी आर क्यू ये कॉमन एंगल रहेगा, इसलिए ये कॉमन एंगल जो है इसको अगर हम लोगों ने कट किया तो यहाँ पर मेजर एंगल पी प्लस मेजर एंगल क्यू इज इक्वल टू मेजर एंगल पी आर एस, यानी इन दोनों का जो एडिशन रहेगा, यानी इन दोनों की जो सम रहेगी वही सम पी आर एस, यानी क्या, तो यहाँ पर पी आर एस ये जो एक्सटेरियर एंगल है उसकी रहेगी, यानी इससे हमें यही उसके प्रॉपर्टीज पता चलती है कि द मेजर ऑफ एन एक्सटेरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो यहाँ पर ये उसके रिमोट इंटीरियर एंगल है, ये जो पी आर एस एक्सटेरियर एंगल है इस एक्सटेरियर एंगल के ये रिमोट इंटीरियर एंगल है, और इनकी जो सम रहेगी वही सम इनकी जो सम है
वो सम और ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी जो मेजरमेंट है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। इसलिए द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके आधार पर ही ये प्रैक्टिस सेट 21 जो है वो हमें सॉल्व करने का है। देखो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कोण ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो ट्रायंगल ए बी सी इसका ये ए सी डी एक्सटीरियर एंगल है। द मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल। देखो यहाँ पर ए एंड बी इसका जो मेजरमेंट है वो इक्वल है। मेजर एंगल इफ मेजर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 140 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स एंगल ए एंड एंगल बी। तो देखो इसका किस तरह से सॉल्व करना है वो भी हमें देखने का है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये मेजर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 140 डिग्री। देखो यहाँ पर ए सी डी इसका मेजरमेंट दिया है 140 डिग्री। देखो मेजर एंगल ए सी बी प्लस मेजर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पर ए सी डी एंड ए सी बी इज इक्वल टू कितने आ गए 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर्स, मतलब ये दोनों लीनियर पेयर्स एंगल्स है इसलिए इनका मेजरमेंट 180 डिग्री आएगा। तो देखो मेजर एंगल ए सी बी प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पर मेजर एंगल ए सी बी इसकी मेजरमेंट मालूम नहीं है इसीलिए मेजर एंगल ए सी डी की मेजरमेंट है 140 डिग्री। तो इसीलिए मेजर एंगल ए सी बी प्लस 140 माइनस 140, क्योंकि हमें ए सी बी का मेजरमेंट फाइंड करना है, 140 की हमें आवश्यकता नहीं, इसलिए उसको क्या किया सब्ट्रैक्ट किया है बोथ साइड से। तो यहाँ पर तो 180 माइनस 140 तो कितना आएगा, मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितने आएंगे 40 डिग्री आएगा। तो इसीलिए ये हो गया, अभी यहाँ पर ये जो हो ये इसका हो गया 40 डिग्री। अभी देखो थर्ड सेकंड में मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो इज इक्वल टू वन, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल्स के थ्री एंगल्स है उसकी सम 180 डिग्री। तो देखो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, सी का मेजरमेंट है यहाँ पर ये सी का मेजरमेंट है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पर मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 40, क्योंकि हमें इसको सब्ट्रैक करना है, क्योंकि हमें वैल्यू ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसीलिए मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180 में से 40 माइनस किया तो 140, और इसीलिए मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 140 अपॉन 2, क्यों, क्योंकि इन दोनों की मेजरमेंट इक्वल है इसीलिए। तो इसीलिए 2 1 2 2 7 14 0, तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने फाइंड किया है, एग्जांपल सॉल्व किया है। तो इस तरह से आप लोगों को भी ये नोटबुक में लिख लेने का है, सॉल्व करने का है, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको अगले एग्जांपल जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।